मैं यही बात कह सकता हूँ, ये गठबंधन में जो नेताओं का जमघट था, ये राहुल जी के बराती की तैयारी थी, उनकी शादी के लिए लोग बैठे थे कि राहुल जी की शादी कैसे करवाया जाएगा। इतना विपक्षी ताकत लगा ली, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। फोटो सेशन कर रहे हैं, कर लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर पूरी देश की जनता तो मोदी जी को ही चाह रही है और चाहेगी। 2024 के दंगल में महामुकाबला होगा और आमने सामने महागठबंधन का कुनबा और नरेंद्र मोदी होंगे। लगातार विपक्ष की ओर से ये दावा वादा किया जा रहा है कि इस बार 2024 में नरेंद्र मोदी के राजनीति वजूद को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये तमाम बातें विपक्ष के नेता कह रहे हैं। हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए सांसद रामकृपाल यादव जी, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि 2024 में इस बार भी नरेंद्र मोदी के जीत का काफिला बदस्तूर जारी रहता है कि या मठ महागठबंधन कुछ नुकसान पहुंचा पाएगा, तमाम चीज़ों को समझेंगे सर। 2024 में जिस प्रकार से विपक्षी एकता बैठक हुई, लगातार दावा वादा किया जा रहा है कि इस बार रोक दिया जाएगा, क्या कहेंगे? कोई नहीं रोक पाएगा ना, कितना भी विपक्षी ताकत लगा ले, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। फोटो सेशन कर रहे हैं, कर लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर पूरी देश की जनता तो मोदी जी को ही चाह रही है और चाहेगी, क्योंकि मोदी जी ने अपने पिछले 9 साल के कार्यकाल में देश की जनता को जो जीवन को ऊंचा स्तर किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है, बहुआयामी विकास हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, और हर लोग एहसास कर रहे हैं, चाहे किसी वर्ग और तबका का हो, और देश की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ी है। तो मैं समझता हूँ कि जो प्रतिष्ठा खो दिया था कांग्रेस और उसके कार्यकाल में, सरकार जो बनी थी उसको पुनर्वापस किया है, ऊंचाई पर पहुंचा है। अब कोई वैसे तत्व, वैसे पार्टी को मौका नहीं देने जा रही है जिसने देश को रसातल में भेजने का काम किया था, और मैं समझता हूं कि मोदी जी का जगह कोई ले ही नहीं सकता है, क्योंकि मोदी जी ने अब जनता के दिल में अपना जगह बना लिया है, कोई नहीं निकाल सकता है। कितना भी प्रयास करें कुछ नहीं होने वाला है, सब टाइम फिट हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से लालू यादव बोले कि अब मैं फिट हो चुका हूँ, फिट कर दूंगा नरेंद्र मोदी को, यह बयान लालू यादव ने दिया। देखिए, नरेंद्र मोदी तो फिट हैं और फिट रहेंगे, और देश की जनता को फिट करने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश की जनता को अनफिट करके रखा है, वो क्या किसी को फिट करेगा? लालू यादव इसी तरह का बयानबाजी दे रहे हैं। अब बोलने वाला तो कोई बोल सकता है ना भाई, बोलने पर रोक तो है नहीं। लेकिन किसी जिस प्रकार से महागठबंधन की बैठक हुई, जानते हैं महागठबंधन की बैठक पता नहीं किस बात के लिए, आपको पता चला कि नहीं चला? लबोलबाब जो है उसका मैं यही बात कह सकता हूँ कि ये गठबंधन में जो नेताओं का जमघट था, ये राहुल जी के बराती की तैयारी थी, उनकी शादी के लिए लोग बैठे थे कि राहुल जी की शादी कैसे करवाया जाएगा। चूँकि आपने देखा होगा लास्ट में यही कहा गया, कब शादी कीजिएगा, कब बारात हम लोग जाएंगे, तो ये बाराती लोग थे, दूल्हा को तैयार करने के लिए आए थे, दूल्हा शादी नहीं करना चाहते हैं, तो वो दूल्हा देश के प्रधानमंत्री का ख्वाब तो खैर देख ही नहीं सकता है, तो दूल्हा बनने का सपना पूरा करने के लिए विपक्षियों का ये बैठक था। एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से पूरे विपक्ष के नेताओं की एकजुट बैठक हुई, अरविंद केजरीवाल नाराज चल रहे अध्यादेश को लेकर। अरे बहुत नाराज हैं लोग, बेमेल के शादी कहीं हुआ है, तलाक तो तय है ना। अभी तो अरविंद केजरीवाल जी भागे, उसके पहले माझी जी भागे, उसके पहले उपेंद्र जी कुशवाहा जी भागे, उसके पहले साहनी जी भागे, अभी कौन कौन जी भागने वाले हैं पता है? कोई लोग, सब लोग आया था उसमें, देश का सारा विपक्ष इकट्ठा हुआ नहीं ना हुआ, आने दीजिए, समय पर सब भाग जाएगा, कोई नहीं रहेगा। लेकिन विपक्ष के नेता एक बात उठा रहे हैं, जो तमाम कमिटमेंट किया गया था, काला धन हो या नौकरी की बातें हो, वो बीजेपी नहीं। अरे वही तो, अरे काला धन पर कार्रवाई हो रही है, ईडी कार्रवाई कर रही है, सीबीआई कार्रवाई कर रही है, तो ये कौन परेशान है लोग, ये सब काला धन वाला है, उन्हीं लोगों का जमघट है। आप इनका हिस्ट्री देख लीजिए, एक एक आदमी का, एक एक नेता का हिस्ट्री जान लीजिए, ये परिवार और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, विरासत को बचाने के लिए और अपने काला धन को बचाने के लिए ये सब कसरत कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इनका उद्देश्य देश को बनाने के लिए नहीं है, अपना अपना परिवार, अपना खानदान, इसी को बनाने की चिंता कर रही है। मोदी जी तो देश की चिंता कर रहे हैं, 140 करोड़ लोगों की चिंता कर रहे हैं और आगे भी करने का मादा रखते हैं। 2000
जब 100 वर्ष का हो जाएगा, आज़ादी का अमृतकाल हो जाएगा, तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे पावरफुल अर्थव्यवस्था में और सब कुछ में हो जाएगा। तो विश्व गुरु बनाने के लिए माननीय मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, उसमें जो बाधा डालेगा जनता उसको उखाड़ के फेंक देगी। एक आखिरी सवाल है, जेडीयू वाले बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर किसी को मारते हैं तो दर्द भी नहीं पता चल पाता और इस बार जो होगा वो पता चल जाएगा। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी को जो दर्द हो रहा है अभी, पता करिए ना जा करके, कितना बेचैन है वो, जितने दर्द का सामना कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी इन दिनों हम लोग से हटने के बाद, अब जाके कान में पता करिए, बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है लोग, उन्हीं के लोग परेशान कर रहे हैं। जल्दी हटिए, हम बैठेंगे, जल्दी हटिए, हम हटें बैठेंगे। देखिए सीधे तौर पर रामकृपाल यादव जी थे, 2024 को लेके जो महामुकाबला होगा, लगातार ये दावा वादा किया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि इस बार नरेंद्र मोदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन रामकृपाल यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि नरेंद्र मोदी के जीत का काफिला 2024 में भी बदस्तूर जारी रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि नरेंद्र मोदी का जादू 2024 में भी चलता है या 2024 में उनके राजनीति सफ़र के वजूद को महागठबंधन की ओर से ख़त्म कर दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में देखने को मिलेगी। रोहित, दर्शन न्यूज, पटना।